हेलो गाइस, वेलकम टू रोमैटिक गेमिंग ओपी। और हम लोग फिर से आ गए हम लोग का जो फ्री कस्टम रूम जो रोज़ रात को चलता है वो रूम हम लोग का फिर से स्टार्ट होने वाला है आज एट द सेम टाइमिंग। आज 5 मिनट्स डिले में स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग 5 मिनट डिले करके हम लोग का आईडी पास दिए थे। स्टार्ट कर रहे हैं 11:50 में एंड दिस इज मीरामा टूडे। चारों मैप्स ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम लोग का फिर हम लोग के रैंगल में चले जाएंगे क्योंकि 4 डेज ऑल्टरनेटिव मैप्स चलता रहता है हम लोग का। जैसे कि कल हम लोग वीकेंड ही ख़त्म किए तो आज मीरामार से स्टार्ट करें। जिस मीरामार की है कल फिर से हम लोग रैंगल से स्टार्ट करेंगे। अभी तक स्लॉट्स फिल नहीं हुआ, पता नहीं टीम 16 और टीम 17 दोनों जगह पे हम लोग रजिस्टर किए थे लोग, जगह पर रजिस्ट्रेशन हुआ था, दोनों स्लॉट्स में रजिस्ट्रेशन हुआ था, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हुआ है। सो देखते हैं अब क्यों नहीं, वो लोग अब तक गुस्से है क्योंकि टीम 16 एंड टीम 17 दोनों स्लॉट्स खाली है। शायद टीम 16 और टीम 17 आज नहीं होने वाला है। SPD हरी डाउनलोड नहीं किया है तो उसको किक्ड आउट किया जाएगा। मीरामार मैप स्टार्ट हो चुका है और 11:50 जैसे कि देखे थे हम लोग रूम बस फिल्ड विद 23 स्लॉट्स बट 4 स्लॉट्स का हम रजिस्ट्रेशन कराते नहीं है। मतलब 82 का रूम फिल होने वाला था पर 82 का रूम फिल होने वाला था बट 82 हुए नहीं है। पूरा स्लॉट्स हम लोग का भरते स्लॉट 1, 2, 3, 4 हम लोग गैप रखते हैं जिससे कि लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए घुसने में। एंड हम लोग 82 पीपल को रजिस्ट्रेशन करवाए थे रजिस्ट्रेशन एंड ये लोग आए नहीं तो 11:50 में हम लोग को स्टार्ट करना पड़ा। तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 11:50 में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो गाइस देखते हैं कि क्या होता है, कहां तक जाता है एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कल तो हम लोग का हील बैटल में लास्ट पर खत्म हुआ था, कल फाइट बहुत इंटेंस था लास्ट जोन तक भी। आज देखते हैं क्या होता है। PSNX स्क्वाड टीम पोजीशन, टीम राउडी, सब स्क्वाड्स आज फील्डअप है एंड सो देखते हैं कि बहुत सारे स्क्वाड्स जंप कर चुके हैं एंड टीम नंबर 21 का वहीं पे जंप किए थे। टीम नंबर 21 अब तक जंप कर सकते, टीम नंबर 12
जम्प्ड आउट एक ही जगह पे तीन स्क्वाड के हिसाब से उतर रहे ऑलमोस्ट, क्योंकि स्क्वाड नंबर 5, 14 एंड 15 तीन स्क्वाड पर फिर से अलग हो गए, दो स्क्वाड एक जगह पे, क्लॉ स्क्वाड एंड रॉक स्क्वाड एक जगह पे है, एंड हाइपर स्क्वाड के साथ टीम ESR है टीम नंबर 9 एंड बहुत सारे स्क्वाड एक ही साथ है, तो पता नहीं शायद अलग हो जाएंगे ये लोग पर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, सब जगह पे स्क्वाड्स है। पेग ऑफिशियल का स्क्वाड आसपास में ही है और आसपास में बहुत सारे स्क्वाड्स है एंड यहाँ पे बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्क्वाड उतरे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 स्क्वाड्स आसपास में ही है एंड पेग स्क्वाड एंड लुनेटिक स्क्वाड दोनों यहीं पर उतर रहे हैं। सो ये फाइट देखने लायक होगा क्योंकि दोनों स्क्वाड अच्छे हैं और आसपास में बहुत सारे स्क्वाड्स ही है। ये तो हम लोग देखेंगे, टीम नंबर लुनेटिक स्क्वाड यहीं पे है, टीम नंबर 11 और लुनेटिक लाहा को डेड आई शायोन को नॉक्ड एंड लुनेटिक लाहा को ऑलमोस्ट 1 HP एंड दिस इज एडवांटेज क्योंकि उन लोग को स्कारेल मिल चुका था, उतरते ही स्कारेल मिल चुका था एंड उसका एडवांटेज वही हुआ। हाइपर स्क्वाड वहाँ पे ऑलरेडी नॉक्ड आउट कर चुके हैं, सॉरी हाइपर स्क्वाड को नहीं, सर टीम ESR को एक बंदा नॉक्ड और ये पुश नहीं करेंगे अभी क्योंकि पेग ऑफिशियल का एक बंदा ही वहीं पे है, 160 ml पेग वही वहीं पे है एंड टीम नंबर 11 आसपास पीछे उतरे हैं और लास्ट वाले एकदम पीछे के साइड में उतरा है टीम PUS एंड इन लोगों को गन मिल चुका है ऑलमोस्ट। सो ये देखने लायक होगा कि गन मिलने के बाद ये लोग कैसे खेलते हैं, क्योंकि गन इन लोग को बहुत पहले ही मिल चुका है एंड हम लोग जाते हैं थोड़ा सा ऊपर से व्यू लेने के लिए। तो लाहा का जो स्क्वाड एडवेंटिक स्क्वाड 160 ml पे अकेले यहीं पे है एंड वहाँ पे टीम ESR को एक बार स्पेक्टेड कर जाते हैं, क्योंकि टीम ESR का बंधन एक नॉक्ट एंड एक फिनिश भी कर चुके हैं। टीम ESR स्नेकाई का जो स्क्वाड था हाइपर स्क्वाड को फिर से ख़त्म किया है टीम ESR का एक प्लेयर एंड ये तो बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही ख़राब से मारे हैं हाइपर का स्क्वाड को, ये लोग चाहे लैंडिंग ठीक नहीं की और हाइपर ने फिर फॉल बैक करता हुआ, दोनों बंदे इन लोग को ख़त्म हो चुका है एंड हाइपर स्क्वाड का एक ही बंदा जो था वो भागने की कोशिश कर रहा है, जोन के एकदम बीचों बीच उतरा है टीम फिनिक्स का स्क्वाड जो कि टीम हाइड्रोजन है, वो एकदम जोन के बीचों बीच उतरे है, एकदम मिडिल ऑफ द जोन है इन लोग का एरिया एंड आसपास तक कोई स्क्वाड नहीं है। सो ये देखने लायक होगा कि कौन सा स्क्वाड कहीं पर जाते हैं ये जगह पे, बल्कि बहुत सारे स्क्वाड एक ही जगह पे है एंड गाड़ी लेके ये लोग FRG का स्क्वाड गाड़ी लेके भागने का कोशिश, गाड़ी लेके के दूसरी जगह लूट जाने का कोशिश, क्योंकि रॉक्स का स्क्वाड यहीं पे था एंड रॉक्स का स्क्वाड के दूर भाग चुके हैं तो इन लोग का भी ग्रिप में नहीं है। रेक्स दिनेश ओपी का टीम रिवेंज, ये लोग फिर से दोस्ती यारी का बाइक लेकर फिर से घूम रहे, ये लोग फर्स्ट जोन में हमेशा दोस्ती यारी का बाइक ले घूमते हैं, शायद ये लोग फ्लायर का काम करते इधर उधर से बंदे को लेके आते हैं। और ये मैप गाइस स्नाइपिंग का मैप, जिसके पास स्नाइपिंग का स्किल्स अच्छा होगा तो वो बंदा यहाँ पे लेके जाएगा चिकन डिनर, क्योंकि स्नाइपिंग जिसका अच्छा होगा वो ही एडवांटेज मिलेगा, उन्हीं को एडवांटेज मिलेगा यहीं पे। एंड यहाँ पे AKM से 3x AKM के ऊपर 3x लगा के 160 ml पैक के ऊपर स्प्रे देने का कोशिश, पर 160 ml पैक तो थोड़ा सा दूर चले गए हैं एंड 160 ml थोड़ा सा दूर भाग रहे और ये रेन से ही बाहर जा चुके हैं ऑलमोस्ट एंड टीम नंबर 4 पास में ही है, टीम नंबर 11 LMC स्क्वाड सॉरी MTVJR स्क्वाड यहीं पे है, नेटवर्क ने और कार्टून्स का यहाँ पे नेट और कार्टून्स का यहाँ पे नेट पर नेट में डैमेज नहीं मिलता हुआ, उन लोग साइड वाले घर में कैंप कर रहे, पूरा भयंकर टाइप से कैंपिंग चल रहा है यहाँ पे एंड कोई भी स्क्वाड पुश नहीं कर रहा, गलत झड़ पर नेडिंग चल रहा है क्योंकि पास वाले घर में वो है एंड नेट 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 पर नेट में शायद किसी को डैमेज नहीं मिला और ये क्लोज में एंड ये क्लोज में डैमेज एंड ऊपर पुश करने कोशिश विद S12 के ऊपर ही कैम करके बैठा है एंड ये होता है कैंपिंग गाइस।
ये होता है कैंपिंग नेटवर्क, और यहाँ पे दोनों नॉट, नेटवर्क अकेले जिंदा, नेटवर्क को भी डैमेज मिलता हुआ एंड एक को फिनिश अकेले नेटवर्क, और यहाँ से नेटवर्क कर दिया है एक को नॉक विथ वेक्टर से, एक का नॉक्ट है। और ये देखने लायक होगा कि ये लोग नॉक को फिनिश करने के लिए आएंगे कि वहाँ पर रिवाइव देने की कोशिश, इनको रिवाइव मिल गया अगर जाता है तो वो बहुत खतरनाक होने वाला, और वही हुआ एंड फिनिश एंड ख़त्म। और ये यहाँ पे नेटवर्क यहाँ पे क्लीन क्लच करता हुआ, क्लीन क्लच पर नेटवर्क पर दो बंदे यहाँ पे खो चुका है, पर क्लच इन लोग को मिल चुका है, कंप्लीट क्लच कर दिया है एंड कोई नहीं। एंड साकिल पुसारव दोनों का यहीं पे है, दोनों डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑसम, सेइंग टू बी ऑसम। एंड वहाँ पे टीम का जो हम लोग का हॉट टीम है, हम लोग का रेक्स मिस्टर दिनेश ओपी का टीम, टीम एचक्यू को 2 किल्स यहाँ पे मिलता हुआ, टीम किल्स 2 है एंड आसपास में स्क्वाड्स है ही नहीं। एंड यहाँ पे एक को मार के बहुत आराम से लूट रहे लोग, एंड वंडर किड एंड टीम XIS यहीं पे है, क्योंकि सॉरी टीम XIS, टीम रॉक है यहीं पे, एंड सामने टीम नंबर 19 जो टीम रिवेंज है वो टीम नंबर 19 है। एंड पास में दोनों स्क्वाड्स है, GP फ्लेम और टीम HQ सौम्या, सॉरी सौम्या नहीं, शोमो, टीम HQ शोमो वो वहीं पे है। तो दोनों बंदे यहीं पे है, पीछे में 3 बंदे हैं, तो इन लोग को क्लच कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। ये लोग फॉल बैक कर रहे हैं, फर्स्ट जोन है अभी तक, फर्स्ट जोन में इतना फाइट लोगे तो मुश्किल हो जाएगी। 7 मिनट का, ऑलमोस्ट 8 मिनट का मैच चल चुका है एंड फर्स्ट जोन अभी तक क्लोजिंग हुआ नहीं है। सो अभी स्टार्ट हुआ है क्लोजिंग करना एंड ये देखने लायक होगा कि मीरामार में जोन गाइस बहुत स्लो जाता है, बहुत ज़्यादा ही स्लो जाता है। एंड दिनेश का स्क्वाड जो कि अभी हम लोग देख रहे थे, दिनेश का स्क्वाड में दिनेश को कर दिया है नॉक। वहाँ पे GP फ्लेम वहाँ पे क्लच करता हुआ, रॉक का एक और बंदा जिंदा है, और आयरन साइड से उसको फिनिश करने का कोशिश में, वो रिज के नीचे और TP पे लेता हुआ दिनेश को बाद में रिवाइव देंगे क्योंकि ये लोग क्लच करके पहले आएगी, क्योंकि एक ही बंदा है वहाँ पे। एंड टीम एच क्यू सोमो शायद पर पहले रिवाइव कर देंगे क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता कोई भी टीम, क्योंकि फर्स्ट जोन है ये एंड रिस्क नहीं लेना चाहते कि यहाँ पे कवर लेने का जगह आपको खुद बनाना पड़ेगा, कवर कहीं पे मिलेगा नहीं, हल्का हल्का रीच है जो कि कवर बन सकता है पर ज़्यादा कवर यहाँ पे मिलेगा नहीं। एक ही बंदा है टीम नंबर 5 का, टीम नंबर रॉग का एक ही बंदा है, वो पीछे भयंकर तरीके से भागता हुआ कि भाई मुझे बचा लो, भाई बचा लो, बचा लो, मुझे उतार दो, नीचे उतारो, नहीं पहले मुझे घर में घुसा दो, और घर में घुसा दिया एंड घर में घुस गए। और ये एकदम ही फॉल बैक करते, बहुत ही डरे हुए है क्योंकि दोनों बंदे यहाँ का नॉक एंड फिनिश हो चुका है एंड एक ही बंदा यहाँ पे TP पे लेता हुआ। और टीम मिस्टर दिनेश ओपी का जो टीम रिवेंज है वो शायद स्पॉट कर लिया है GP फ्लेम का, इन लोग के पास 4 किल्स ऑलरेडी है, GP फ्लेम के पास 1 किल से, और यहाँ पे रॉक को स्पॉट कर लिया है टीम HQ, टीम रिवेंज यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं और यहाँ पे घुस रहा है, और यहाँ पे नॉक एंड फिनिश। हम जाते हैं फ्यूरी के पास क्योंकि फ्यूरी का स्क्वाड यहाँ पे फाइट चल रही है, दोनों स्क्वाड के, पुश स्क्वाड और फ्यूरी का स्क्वाड, जो कि यहाँ पे फ्यूरी ने एक बंदे को वहाँ पे नॉक कर दिया है एंड फ्यूरी का उजी, और यहाँ पे सामने ही बंदा फ्यूरी को डैमेज मिलता हुआ बाई पुश क्लच गॉड, और क्या डैमेज दे पाएंगे, शायद अपना हेल्थ किट और पुश क्लच गॉड ने फिर से एक को नॉक कर दिया है। इन लोग का 2 बंदा नॉक, अकेला फ्यूरी जिंदा है एंड फ्यूरी ने फिर एक को नॉक कर दिया एंड नॉक एंड फिनिश क्योंकि पर अच्छा किया है, बंदे कमा दिए, किल्स लेके गए थोड़ा सा घर पे, पर इन लोग का एक बंदा फिनिश हो चुका है, पूरा सौरभ पूरा फिनिश हो चुका है, पर फ्यूरी का पूरा स्क्वाड के लोग डाउन कर दिए, टीम किल्स 4 है, स्क्वाड वाइप आउट किए हैं, कर क्लच किए हैं
एंड पर एक बंदे को खो चुके हैं, पर उसका ठीक है, क्लच करने में तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो होना ही था। एंड अभी जाते हैं हम लोग कहीं और पे, जहाँ पे थोड़ा सा फ्राइट चल रही है। क्रोन लिब्रा गाइस, ये तो नया प्लेयर है हम लोग का रूम में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइट सामने ही चल रहा है, राउडी स्क्वाड वर्सेस नाजी स्क्वाड, एंड नाजी स्क्वाड वर्सेस राउडी स्क्वाड, एंड राउडी स्क्वाड वर्सेस नाजी स्क्वाड, कुछ भी कैसे भी बोलो फाइट चलना ही है यहाँ पे। एंड क्रोन लिब्रा नाजी का एक बंदा को नॉक एंड फिनिश, इन लोग का भी एक बंदा नॉक्ड है, नाजी और यूगेन दो बंदे जिंदा है, दो नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। राउडी वाइपर को स्पॉट कर लिया है, और यहाँ पे रीड से नीचे और नाइटमेयर नीचे आता हुआ, और एकेम का बहुत ही अच्छा रिकॉल कंट्रोल बाई नाजी नाइटमेयर, बहुत ही अच्छा रिकॉल कंट्रोल यहाँ पे, एंड एक बंदा को वहाँ पे फिनिश कर दिया है अपना फर्स्ट एड किक लगाता हुआ। और यूगेन जो राउडी वाइपर का जो है, और यूगेन को कर दिया है नॉक, एंड ये नॉक भारी पड़ सकता है नाजी स्क्वाड के ऊपर, क्योंकि जो नाइटमेयर का नॉक था वो कुछ काम नहीं कर पाया, क्योंकि फ़ायदा नहीं हुआ। और ये ओ माय गॉड, ये बैरल से स्प्रे नाजी के ऊपर, एंड बाय राउडी स्क्वाड द स्क्वाड इज डाउन, एंड राउडी बोले तो जोर से शान से राउड मचाते हुए लोग स्क्वाड डाउन वाइप आउट कर दिया है। जोन क्लोजिंग करता हुआ फर्स्ट सेकंड जोन ऑलमोस्ट टाइम है, अभी भी 12 मिनट का मैच हो चुका है, 3 मिनट बाद अभी सेकंड जोन भी स्टार्ट हो जाएगा, और सेकंड जोन स्टार्ट होके अभी तक टाइम अभी 3 मिनट्स ऑलमोस्ट बाकी है। ये स्क्वाड है पोजेशन का स्क्वाड है, और पोजेशन अभी जा रहा है जोन के अंदर गाड़ी लेके घूमने का कोशिश, और बंदा स्पॉट करने का कोशिश। पेग ऑफिशियल का यहाँ पे M24 मिल चुका है, जो कि इस मैप का हर्ड गन है, M24 और AK-98, कोई भी गन जो स्नाइपिंग होगा जिससे अच्छा, वो ही गन यहाँ पे अच्छा काम कर जाएगा। साकिल का स्क्वाड यहाँ पे अंदर में है, और पेग का स्क्वाड वहाँ से पुश स्पॉट करने का कोशिश, एंड ये देखने लायक होगा, क्योंकि उन लोग के पास स्नाइपर है, वन शॉट है, एंड मीरामर में वन शॉट गॉड गन है। ये चल रहा है भयंकर लेवल का कैंपिंग घर के अंदर, क्योंकि लोग दो बंदे हैं, सामने पूरा स्क्वाड है, पेग ऑफिशियल का स्क्वाड क्लोजिंग करते हुए धीरे धीरे, एंड पेग ऑफिशियल का स्क्वाड क्लोजिंग करने का कोशिश। 160 ml पेग का स्क्वाड, जो पेग ऑफिशियल का स्क्वाड है, शायद वो लोग स्पॉट कर लिया है और गाड़ी लेके शायद कर देंगे रश, की स्पॉट नहीं कर पाए, क्योंकि और क्या स्पॉट कर लिए, और ये पूसारव ओपन में नॉक होता हुआ शायद, पर बच गए भाई, बच गए पूसारव, 1 HP में बच गए। अब चलेगा यहाँ पे कैंपिंग, एंड पास में से, और ये बाहर से साकिल को कर दिया है नॉक, और नेड में ये शायद फिनिश हो जाएंगे, और नेड ही होगा, ऊपर पुश नहीं करेंगे ये लोग, और यहाँ पे नॉक, ओ माय गॉड, यहाँ पे और एक स्क्वाड रश कर चुका है गाइस, यहाँ पे टीम ESR भी यहाँ पे रश कर चुका है पेग ऑफिशियल के पास, थर्ड पार्टी में दो बंदा नॉक थे पेग ऑफिशियल का, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंसेन। एक को रिवाइव मिल चुका है 120 ml पेग, यहाँ पे रिवाइव देने का कोशिश में, पर रिवाइव देंगे कि नहीं देंगे, और रिवाइव दे दिए हैं, और इन लोग के एक बंदा उसको भी रिवाइव मिल चुका है, पूरा स्क्वाड शायद बच जाएंगे, पर नेड बहुत क्लोज था, पर उतना डैमेज नहीं दे पाए। टीम ESR पूरा पुश करता हुआ, एंड टीम ESR पूरा ही पुश करता हुआ इन लोग के ऊपर, एंड ये देखने लायक होगा। टीम ESR स्नेकी यहाँ पे नॉक्ड आउट, स्नेकाई वहाँ पे नॉक्ड आउट है बाई श्रेयांश, एंड दोनों नॉक्ड एंड फिनिश, और पेग ऑफिशियल को बचा पाएंगे। पेग ऑफिशियल के एक बंदे को रिवाइव मिल चुका, पूरा स्क्वाड उठ चुका है, एंड यहाँ पे जो टीम ESR था, जो लोग पुश किए थे उनके ऊपर ही अपना पुश भारी पड़ चुका है, क्योंकि पूरा स्क्वाड जिंदा हो चुका है, एंड यहाँ पे पूरा स्क्वाड का फाइट, और यहाँ पे नॉक्ड बाय टीम ESR का प्रोना बस अकेले जिंदा,
एंड सॉरी ऑस्कर भी है, पर पूरा पेक स्कॉट जो कि उठ चुका है, और जो होना ही था, और ये नॉक नॉक टर्न फिनिश पर नहीं हो पाया। 120 ml वहां से पुश एंड टीम ESR इज फिनिश्ड बाय अ कंप्लीट क्लच ऑफ पेग ऑफिशियल का स्क्वाड। और टीम 8 पुश स्क्वाड फिर से आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से एक स्क्वाड का फाइट देखने को मिलेगा, एक ही जगह पे तीन स्क्वाड ऑलमोस्ट। और पेग ऑफिशियल को पीछे डैमेज देने का कोशिश, पुश पुश पीयूए स्क्वाड का क्लच गॉड का यहाँ पे डैमेज देने का कोशिश, पर डैमेज दे नहीं पाए। पीछे से और एक स्क्वाड, एक ही जगह पे तीन स्क्वाड गाइस, चार स्क्वाड ऑलमोस्ट, दो स्क्वाड वाइप आउट हो चुके हैं, दोनों स्क्वाड वाइप आउट किया पेग ऑफिशियल का बंदे ने। एंड टीम किल्स इन लोग के पास 6 है, पेग ऑफ 120 ml पेग के पास 2 किल्स है। एंड ये तो देखने लायक होगा कि कौन सा स्क्वाड लास्ट अभी तक फिर से ये लोग क्लच कर पाएंगे कि नहीं, पेग ऑफिशियल का स्क्वाड फिर से क्लच कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी दो स्क्वाड को क्लच दे चुके हैं। एंड सामने टीम नंबर 8 है, लेफ्ट से फ्लैंक करने का कोशिश श्रेयांश का, और श्रेयांश का जिगल करते होते घुसते हुआ टीम ज्यूस वहीं पे है, सामने ही बंदा है टीम नंबर 8 का एक बंदा। एंड 1v1 यहाँ पे कॉम्बैट देखने को मिल सकता है, जो बंदा पहले स्पॉट कर लेगा उसका एडवांटेज होगा, क्योंकि यहाँ पे कवर लेने का ऑप्शंस बहुत ही कम है। ये कवर लेने का ऑप्शंस बहुत ही कम है, तो इसीलिए ये देखने लायक होगा कि कौन सा स्क्वाड यहाँ पे लेके जाएगा चिकन। एंड M4 से शायद एक बंदा को स्पॉट कर लिया है, एंड M4 विद 3x का बहुत रिकॉइल हैंडल करके स्प्रे, एंड वहाँ पे एक का नॉक। अब ये भारी पड़ जाएगा, किंग जीवस को भी नॉक कर देंगे, किंग जीवस को भी नॉक कर देंगे, पर कर नहीं पाए लास्ट बंदा। एंड लास्ट बंदा यहाँ पे है, एंड लास्ट बंदा क्या कर पाएगा पता नहीं। एंड दोनों और बग्गी के नीचे डैमेज, बग्गी के नीचे कवर, पर कवर तुमको तो नहीं मिलेगा। M4 से 120 ml पैक का, वहाँ पे और एक बंदा यहाँ पे घुस चुका है, एंड ये बैरल से स्क्वाड फिर से वाइप्ड आउट बाय पेग ऑफिशियल। पूरा स्क्वाड खेल रहा है, बहुत अच्छा स्क्वाड वाइप आउट किया है, एंड ये तो बहुत ही अच्छा स्क्वाड वाइप्ड आउट था। एंड नेटवर्क का जो स्क्वाड है सामने है, टीम नंबर 6 का पूरा टीम नंबर पोजीशन रिज में, और नेटवर्क का स्क्वाड ऊपर। सो गाइस ये है रिज पे खेलने का एडवांटेज। एंड LMC कार्टून्स यहाँ पे M16 A4 विथ 3x और नॉक। ओ भाई साहब, 1 HP, ओनली 1 HP में बच गया है ये तो। और वहाँ पे ऑपोजिट साइड से चल रहा है AWM, वन शॉट एंड स्नाइपिंग का कोशिश, पर देखते हैं। रिज में है वो लोग, और रिज के नीचे है, रिज के नीचे, और रिज का एडवांटेज MTVJR स्क्वाड को मिलेगा, क्योंकि वो लोग ऊपर में है। एंड ये मीरामार में गाइस रिज ही मेन काम करते हैं, क्योंकि ऊपर से स्नाइपिंग का बात ही कुछ और है। पर इन लोग के पास वन शॉट नहीं है, इन लोग के पास शॉर्ट रेंज का गन है M16। एंड यहाँ पे और एक स्क्वाड टीम नंबर 23 यहाँ पे पुश करते हुआ क्लोज इन करते हुआ, राउडी का स्क्वाड यहाँ पे क्लोज इन करता हुआ, और यहाँ पे बहुत सारा स्क्वाड्स है गाइस। GP फ्लेम का जो पूरा स्क्वाड डाउन हो चुका है, सॉरी पूरा स्क्वाड डाउन नहीं, सॉरी गाइस GP फ्लेम यहाँ पे अकेले थे, पर पूरा स्क्वाड यहाँ पे आ चुका है। हाइपर नैफी जो हाइपर स्क्वाड का एक घर पे कर रहा है कैंपिंग, पर अभी देखने लायक होगा कि रिज में ये लोग दोनों बंदे नीचे, राउडी स्क्वाड है तो राउडी स्क्वाड को, पर M16 से उतना डैमेज रनिंग स्प्रे तो नहीं हो पाएगा, रनिंग स्प्रे तो नहीं दे पाएंगे, पर ट्राई कोशिश। पर वो लोग दूर चले गए हैं, एंड वहां पे राउडी वाइपर को गाड़ी ब्लास्ट करके ही नॉक कर दिया गया है, नॉक 10 फिनिश, क्योंकि गाड़ी में तो कुछ फायदा नहीं गाइस। ये पोजीशन का जो स्क्वाड था, और टीम राउडी का एक बंदा लिब्रा, लिब्रा को डैमेज मिलता हुआ, और M4 विद 3x एंड लिब्रा को 1 HP में, लिब्रा को 1 HP में छोड़ा है राउडी का स्क्वाड का। लास्ट वो दो बंदा यहीं पे है,
दो बंदे फिनिश हो चुके हैं विद अ कार ब्लस्ट और स्मोक करके लिब्रा यहाँ से निकलने का कोशिश करेंगे, क्योंकि स्मोक के हिसाब से स्मोक के बिना तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि पूरा जोन ओपन है गाइज। यहाँ पे कवर लेके छुप के सांप बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो खेलना है सामने खेलना है, अपने बलबूते पर खेलना है, क्योंकि कहीं पर भी छुपने का जगह नहीं है। जैसे कि सैनॉक वैनॉक पे सांप बन जाओ तो ऑलरेडी एक दो स्कोर तो वाइप आउट ऐसे ही हो जाता है, पर यहाँ पे सांप बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि राउडी अनिकेत का जो स्क्वाड था यहाँ पे फिर से नॉक्ड आउट हो चुके हैं बाय AWM एंड SLR से FRG स्क्वाड ने लेके गया है उन लोग का किल, एंड विद अ किल चोरी, पूरा किल चोरी था, क्योंकि वहाँ पे नॉक कोई और किया था और AWM से नॉक किया था और ये लोग SLR से किल चुरा लिए। एंड अभी भी अलाइव 30 है, जोन बहुत छोटा होने वाला है, थर्ड जोन क्लोज हो चुका है, फोर्थ जोन स्टार्ट होने वाला है, एंड जोन बहुत ही छोटा हो रहा है एंड गेम उतना ही इंटेंस पोजीशन में जा रहा है। सो नेटवर्क का जो स्क्वाड है वो यहीं पे है, एंड विद वेक्टर 3x इन लोग के पास वन शॉट नहीं है, जो वन शॉट इन लोग के पास होना चाहिए था मीरा मन में वो वन शॉट नहीं है। सो वन शॉट का ओ भाई साहब इतना डैमेज, यहाँ पे ज़्यादा कूदा कूदी करोगे तो डैमेज मिलेगा ही ब्रो, क्योंकि ये जगह ही अच्छा नहीं है। सामने टीम नंबर 22 का पूरा स्क्वाड, पेग ऑफिशियल का स्क्वाड वर्सेस टीम रिवेंज, ये स्क्वाड, ये फाइट देखने लायक होगा, क्योंकि दोनों स्क्वाड ही काटे टक्कर का स्क्वाड है एंड ये स्क्वाड का फाइट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ये स्क्वाड का फाइट देखने को ही मिलेगा, बहुत ही कम मिलता है, और दोनों स्क्वाड का फाइट जो आमने सामने आ चुका है आज दोनों स्क्वाड, एंड वो स्क्वाड का फाइट देखने को भी देख मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ये दोनों स्क्वाड ही अभी तक का अच्छा स्क्वाड जो लोग चिकन डियर मारते हैं रोज़, ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच में चिकन डियर होता रहता है। सो ये फाइट देखने लगा होगा टॉप टीम्स के हिसाब से हम लोग इसको माना जाता है। और यहाँ पे वन स्नाइपिंग बहुत ही गंदा हेडशॉट मिस करता हुआ, 120 ml पैक बहुत ही गंदा हेडशॉट मिस किया है, एंड रेक्स दिनेश ओपी का जो स्क्वाड है वो लोग पूरा अपना पोजीशन लेके बैठे, कवर है इन लोग के पास पर 160 ml पैक के पास कोई कवर नहीं है, क्योंकि वो लोग पूरा ही ओपन में है, एंड पीछे से स्क्वाड अगर रश कर दिया तो थर्ड पार्टी इन लोग के ऊपर हो सकता है। पूरा मेडिकिट लगाता हुआ, हेलमेट को थोड़ा सा डैमेज मिला है, वेस्ट अभी तक ठीक है, पर हेडशॉट बहुत ही गंदा मिस किया है, बहुत ज़्यादा गंदा हेडशॉट मिस किया था 120 ml पैक ने, पर कोई नहीं गाइस, हेडशॉट तो होता रहता है, नेक्स्ट हेडशॉट शायद कनेक्ट कर पाएंगे और नॉक हो पाएंगे। एंड टीम रिवेंज का जो स्क्वाड है सो वो देखने लगा होगा कि इन दोनों स्क्वाड के बीच में कौन सा स्क्वाड सर्वाइव करेगा। GP फ्रेन ऊपर 120 ml पैक इसको कंटिन्यूसली वॉच करता हुआ, M4 को लेके बैठे हैं, स्प्रे देने का कोशिश की वन शॉट, उतना शायद कॉन्फिडेंस नहीं अपने ऊपर कि वन शॉट चला देंगे, तो अपना AR का जो कॉन्फिडेंस जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही खेलने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यही होता है गाइस कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट में ही खेलो हमेशा। एंड ये स्क्वाड जो वन पेग ऑफिशियल वर्सेस GP फ्लेम और वॉकर OP को नॉक कर दिया है, टीम HQ ने 160 ml पर नॉक कर दिया है। सो दोनों स्क्वाड का एक एक बंदा नॉक्ड है, पेग ऑफिशियल का एंड ये टीम रिवेंज इन लोग के ऊपर भारी पड़ता हुआ, एक को फिनिश कर दिया है पूरा, एंड टीम रिवेंज पेग ऑफिशियल के ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक बंदा नॉक्ड है एक बंदा फिनिश हो चुका है। वहाँ पे ऑपोजिट साइड में दिनेश का स्क्वाड भी 3 है, पर 3v3 यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों स्क्वाड का एक एक बंदा खत्म हो चुका है, तो भारी पड़ने का अब कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा यहाँ पे रिवाइव मिल रहा है यहाँ से, एंड रिवाइव मिल जाएगा टीम HQ सोमो को। एंड 160 ml पेग राइट से फ्लैंक करता हुआ, सामने GP फ्लेम एंड रेक्स दिनेश ओपी, एंड जो कि अभी रिवाइव मिलके उठा है, रेक्स दिनेश ओपी ने रिवाइव दिया है टीम HQ सोमो को, एंड ये M4 विद 3x का स्प्रे एंड 120 ml पेग नॉक। गाइस क्या नॉक था वहाँ पे, और 160 ml पेग ने कर दिया है, और ये राइट से दिनेश ओपी को डैमेज देने का कोशिश, और ये व्हाट अ नेट गाइस, व्हाट अ लवली नेट, 160 ml पेक का क्या नेट था ब्रो, मजा आ गया देखने में, क्या ही नेट था। तो GP फ्रेंड अकेले जिंदा,
बग्गी लेके फॉल बैक करने का कोशिश, क्योंकि वही इन लोग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो पूरा स्क्वाड अकेले ऊपर भारी पड़ सकता है। क्या नेट था ब्रो, मज़ा आ गया नेट, ऐसा नेट तो बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे टीम सीस के साथ यहाँ पे फिनिक्स टीम हाइड्रोजन का कॉम्बैट चल रहा है, क्योंकि पोजीशन वर्सेस हाइड्रोजन यहाँ पे फाइट। जीपी फ्लेम भी यहाँ पे क्लोजिंग कर चुका है, जीपी फ्लेम का जो अकेले बंदा है टीम रिवेंज का, अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है जीपी फ्लेम, यहाँ पे आके बग्गी कवर लेके लेट गए हैं पूरा। एंड ये तो गाइज आप देखने लायक हो कि कौन सा स्क्वाड लेके जाएगा चिकन, क्योंकि अब एफआरजी स्क्वाड जो है वो यहाँ पे लेट के फिर से पेग ऑफिशियल के ऊपर भारी पड़ने का कोशिश। पेग एफआर जॉनसन्स यहाँ पे नॉक्ड है एंड पेग ऑफिशियल का स्क्वाड के ऊपर इन लोग रश करने का कोशिश कर रहे थे, पर उल्टा ही इन लोग को भारी पड़ेगा। और फिनिक्स का स्क्वाड जो था यहाँ पे, फिनिक्स का स्क्वाड टीम हाइड्रोजन भारी पड़ चुका है पोजीशन के ऊपर। एंड फिनिक्स राइट साइड से फ्लैंक करते हो, वहाँ पे पीएसएनएक्स फिनिक्स नॉक्ड है, और देखते हैं पोजीशन का स्क्वाड कितना बचा पाएंगे अपने बंदे को। एफआरजी स्क्वाड का फाइट यहाँ पे चालू हो चुका है, एफआरजी स्क्वाड वर्सेस पेग ऑफिशियल का स्क्वाड, पर पीएसएनएक्स का जो स्क्वाड है वो ही पड़ गया भारी। एंड फिनिक्स यहाँ पे जो अकेले बंदे हैं पेग ऑफिशियल का, फिनिक्स पेग ऑफिशियल का नहीं गाइस, ये है टीम हाइड्रोजन का फिनिक्स, एंड छोटा सा कवर, और फिनिक्स ने कर दिया है नॉक्ड विद कार 98। सामने बंदा वहाँ पे नॉक्ड, एफआरजी का बंदा यहाँ पे नॉक्ड है, एंड एफआरजी का बंदे को रिवाइव मिलता हुआ, क्योंकि इन लोग का चारों के चारों बंदे जिंदा है। तो ये एक स्क्वाड सपोर्ट होगा। पेग ऑफिशियल का तीन बंदा, शायद एफआरजी का एक बंदे के ऊपर भारी पड़ सकता है। और वहाँ पे ग्रोजा लेके फिनिक्स कर दिया प्रीतम ने नॉक्ड, एंड नेड पर नेड बहुत ही क्लोज जाएगा पीएसएनएक्स स्क्वाड के ऊपर नेड, एंड इट्स अ वेरी क्लोज नेट था। पीएस फिनिक्स अपना स्क्वाड के पास वापस जाने का कोशिश में है, एंड फिनिक्स का जो स्क्वाड है कातिल बाजा प्रीतम क्या नॉक कर पाएंगे। वहाँ पे पेग ऑफिशियल फिर से यहाँ पे नॉक कर रहे हैं, और एफआरजी स्क्वाड के ऊपर भारी पड़ता हुआ पेग ऑफिशियल का स्क्वाड, एंड एफआरजी स्क्वाड को शायद वाइप आउट कर देंगे, क्योंकि एफआरजी स्क्वाड वाइप्ड आउट हो ही जाएंगे, और एफआर जॉनसन्स भी नॉक्ड आउट, एंड एफआरजी स्क्वाड इज बीइंग वाइप्ड आउट, पूरा वाइप्ड आउट नहीं हो चुका है, हाँ पूरे तीन स्क्वाड जिंदा है गाइस, एंड इट्स अ गेम ऑफ 2-2 and 3। पूरा स्क्वाड किसी के पास नहीं है, पेग ऑफिशियल के पास रिच का एडवांटेज, वो लोग जोन में भी है, ये भी एडवांटेज लेट के। ओ गाइस व्हाट अ रिकॉल हैंडल बाय 160ml पेग, कातिल बाज यहाँ पे रिवाइव दे पाएंगे कि प्रीतम को नहीं, जोन का डैमेज, जोन आ रहा है, जोन क्लोजिंग कर रहा है, तो जोन में जाना पड़ेगा। पोजीशन का स्क्वाड को नॉक 10 पेग ऑफिशियल शायद चिकन निकाल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जोन का डैमेज, जोन में नॉक, एंड एक ही बंदा रिवाइवर लेफ्ट साइड से निकले है और 160ml पेग को नॉक कर दिया है, पर मैच हैज एंड, जैसे कि बोले थे गाइस पेग ऑफिशियल लेके जाएगा चिकन डिनर, और वही हुआ। पेग ऑफिशियल का पूरा स्क्वाड क्या कोऑर्डिनेशन से खेले है, सो चिकन डिनर पेग ऑफिशियल के नाम, एंड ऑसम गेम गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। हम लोग आज के लिए जा रहे हैं, और कल हम लोग आएंगे फिर से एरंगेल मैप लेके। ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।